नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। लेकिन आजकल एक अजीबोगरीब ट्रेंड सा चला हुआ है, इसमें यह है कि जो बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाते हैं श्रद्धालु, उनमें से कई लोग गायब हो जा रहे हैं। और ये कोई मैं मजाक नहीं या फिर कोई झूठ नहीं कह रहा, ये पुलिस का भी स्टेटमेंट है और पुलिस भी उन लोगों को खोज रही है। अब पूरा माजरा क्या है ये थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट मिल रहे हैं जहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो बाबा पहले पर्चियां निकालता था, पर्चियों में लोगों को उल्लू बनाता था, अब लोग गायब भी हो जा रहे हैं। कुछ तो बात है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, जो कि डायरेक्ट आक्षेप लगाया जा रहा है बाबा के ऊपर, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, जो कि कथा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी है और पूरा आपको मैं समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। बागेश्वर धाम मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद है, ठीक है, जहां के पुजारी हैं, जिनको मुख्य पुजारी कहा जाए, वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आरोप ये लगा है कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो गायब हो जा रहे हैं। 21 लोग गायब हो चुके थे, ठीक है ना, लेकिन उनमें से कुछ लोग मिल गए, लेकिन अभी भी 12 लोग गायब हैं। भीड़ की वजह से कुछ तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन गायब हो जाना मतलब एक अलग सा ही बात आ जा रहा है। यहाँ पे पुलिस इसका पता लगा रही है, लेकिन जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, या फिर इस न्यूज को लेकर के हर बंदा आ रहा है जो नफरत करता है बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री से, वो अलग ही पेश करके जा रहा है बुरा दिखाने के लिए। लाखों की भीड़ वहां पे लग जाती है। अफवाह में ना पड़े, आप लोग अपना ओपिनियन बताइए। नमस्कार।